तरह से हम कार्य कर रहे हैं अगर इस स्थिति से चला तो मेरा पंचायत प्रखंड तो छोड़िए जिला में एक नंबर में लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं देखने का चीज है लोग तो आते थे चुनाव को बारी आता था चुनाव को बारी जबकि आता था तो लोग फिता लेके चल देते थे गली नापने के लिए कि रोड बनेगा रोड जबकि नाप को चला जाता था चुनाव पर साता में जो कि आ जाता था वो फिर जाके घर बैठ जाते थे जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा है कहीं ना कहीं मेरा पंचायत आगे होने में जिला प्रशासन एवं प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं बी डी सीओ सी साहब सबका इसमें भूमिका रहा है दो और अठारह से इंदिरा आवास रुका हुआ था और पूरा पंचायत में संपूर्ण काम पूरा भी किए एक भी काम जो हम किए हैं संभव वाला काम नहीं था जो भी काम किए हैं बहुत कठिनाई के साथ काम किए हैं बहुत उसमें हम लोग को कठिनाई का परेशानी का सामना करना पड़ा लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के गेरुआ पुरसंडा पंचायत के युवा तुर्क मुखिया लक्ष्मण कुमार ने बिहार न्यूज से पूरे दावे और वादे के साथ कहा है कि उनके नेतृत्व में गेरुआ पुरसंडा पंचायत विकास की तेज गति को पार करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है वह दिन दूर नहीं जब गेरुआ पुरसंडा पंचायत लखीसराय जिला का नंबर वन पंचायत बनकर तरक्की का नया मार्ग प्रशस्त करेगा मुखिया लक्ष्मण कुमार ने पंचायत वासियों सहित पूरे लखीसराय जिला वासियों को भाईचारे का प्रतीक और रंगों का त्योहार होली और मुस्लिमों का त्योहार शवे बारात की ढेरों शुभकामनाएं दी है कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो शेर के साथ बिहार न्यूज की टीम की मौजूदगी है ये लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड का गेरुआ पुरसुंडा पंचायत है और चुनाव के दरमियान जब बिहार न्यूज ने देखा परखा तो पाया कि इस गेरुआ पुरसुंडा पंचायत में विकास की झलक कोसों दूर दिख रही थी लोगों में एक चुनाव के दरमियान एक गजब सा निराशा था उदासी था चेहरे पर नमी था लेकिन आज के परिवेश में आज के तारीख में यह गेरुआ पुर, पुरसुंडा पंचायत इतनी तेजी से विकसित किया है इतना तेज गति से विकास हो रहा है इस पंचायत का जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए यहाँ तक कि वो अविश्वसनीय वो अकल्पनीय कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी जिस कदर गेरुआ पुरसुंडा के सबसे नौजवान पूरे लखीसराय जिले के सबसे नौजवान युवा तुर्क मुखिया लक्ष्मण कुमार के नेतृत्व में जो विकास की नई इबारत नया लकीर खींचा जा रहा है वो काफी काबिले तारीफ है प्रशंसा के योग है तो वही आइए बात करते हैं वर्तमान मुखिया गिरुआ पुरसुंडा पंचायत लक्ष्मण कुमार से जो युवा तुर्क हैं समाज से भी हैं और युवा तुर्क के रूप में पहचान इनकी हुई है और रिकॉर्ड मतों से यह जीत दर्ज कर आज गेरुआ पुरसुंडा का जन जन का विकास कर रहे हैं लक्ष्मण कुमार जी बिहार का सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबसे पहले तो हिंदुओं का महान पर्व भाईचारा और आपसी सद्भाव का प्रतीक के रूप में माना जाता है होली और मुस्लिम भाइयों का महान पर्व सबिवरात है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से शवे बारात एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई और शवे बारात एवं होली के शुभ अवसर पर एक लाइन मैं और बता देना चाहता हूँ कल शांति समिति की बैठक थी हलसी थाना में थाना के माध्यम से कहा गया कि शांतिपूर्वक मनाना है साथ साथ डीजे बजाना नहीं है जो लोग डीजे बजाते हैं या सामाजिक तत्वों को भड़काने का कार्य करते हैं तो उनको गुप्त सूचना दिया जाए और उनको हम अपने माध्यम से कार्रवाई उन पर करेंगे तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनलों के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग शांतिपूर्वक मनाएं और साथ साथ एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो लोग होली पे जो आगजा जलाते हैं वो साइड में जलाएं ताकि रास्ता वृद्ध ना हो किसी को किसी प्रकार के ठेस ना पहुँचे ऐसा नहीं कि आप समाज में होली मना रहे हैं होली मनाना कोई गलत चीज़ नहीं है सबे बरात मनाना कोई गलत चीज़ नहीं है जो अपना अपना धर्म है अपना अपना धर्म पे अपना त्यौहार मनाइए लेकिन किसी को कोई त्रुटि ना हो और दो चार लोग ऐसे करते हैं और समाज को सभी को बदनामी होता है इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि ऐसा काम आप लोग नहीं करेंगे ताकि पंचायत का बदनामी ना हो यही मैं गुजारिश करूंगा जिस कदर पंचायत चुनाव के दरमियान मैंने हलसी प्रखंड के प्रत्येक पंचायत और गांवों का दौरा किया और देखा कि बड़ा विकास के मामले में यह प्रखंड हलसी प्रखंड काफी पिछड़ा था खास करके मैंने गेरुआ पुरसुंडा पंचायत का जब मैंने दौरा किया निरीक्षण किया लोगों से मिला लोगों का हाल जाना लोगों का नब्ज टटोला तो देखा था कि ये पंचायत विकास के मामले में कोसों दूर था लोगों के चेहरे पर एक निराशा थी उदासी था गजब का लेकिन अब लोगों के चेहरे पर मुस्कान है एक चेहरे पर गजब का जज्बा देखने को मिल रहा है हाँ, जुनून देखने को मिल रहा है हाँ। और मैंने अभी जब मैं आया तो देखा कि आपका पंचायत विकास के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इस पर आप किसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और इस विकास का लक्ष्मण कुमार का जो ऊर्जा है इसके पीछे का क्या राज है देखिए श्रेय तो सभी लोगों का है जितने भी हमारे पंचायत का लोग हैं ग्रामवासी उन सभी का सहयोग रहा और वही सहयोग से आज इस पद पर बैठे हुए हैं तो श्रेय सभी लोग को जाता है नवयुवक बूढ़ा बुजुर्ग माता बहनों सभी लोग एकमत होकर के सहमत किए थे तो आप पूछ रहे थे कि बहुत पीछे था वास्तविक में पीछे था किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टिप्पणी करना और पंचायत को अवरुद्ध करना ये कोई अच्छा कार्य है नहीं मेरा पंचायत गेरुआ पुरसंडा जो है मनरेगा में भी एक नंबर पे है और दूसरी नंबर पक्की वर्क पक्की वर्क में एक सिलवे मेरा पंचायत में गांव है जो कि आज तक लगता है कि आज़ादी के बाद पहला बार वहां कोई काम हुआ था जो कि एक महीना पहले हम काम पीसीसी ढलाई कार्य किए हैं और दूसरा नंबर पुरसंडा जो है गिरुआ पुरसंडा पुरसंडा में बड़ी तालाब में हम लोग छठ घाट का निर्माण करने जा रहे हैं और आधा कार्य हो भी चुका है दूसरी नंबर गेरुआ का जो नाली है नाली भी समझिए दो हज़ार एक 2001 में ही बना था एक या दो में बना होगा उसके बाद कहीं कुछ हुआ नहीं था वो हम एक तरफ से जितना भी गेरुआ में नली है सबको एक तरफ से कार्य चालू कर दिए हैं लगभग वो पूर्ण होने वाला है दो चार दिन में हो भी जाएगा सब में गली में नली ढक्कन जो भी है सब लगवा रहे हैं ऐसे ऐसे बहुत कार्य हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं उन लोग बताएंगे अपने मुख से क्या बोले लेकिन ये हम जानते हैं कि जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं अगर इस स्थिति से चला तो मेरा पंचायत प्रखंड तो छोड़िए जिला में एक नंबर में लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अगर जिला में नहीं आया तो प्रखंड तो कोई नहीं रोक सकता प्रखंड में टॉप टेन में छोड़ दीजिए एक नंबर पर रहेंगे बहुत बड़ी बात कही आपने और मैंने देख ये बताई आप कि जितना तेजी से जो विकास हो रहा है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है गेरुआपुर सुंडा पंचायत का सजाया जा रहा है विकास के रूपरेखा से तो आप बिहार न्यूज के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के पंचायती राज मंत्री और लखीसराय जिला प्रशासन से क्या मांग है बतौर मुखिया लक्ष्मण कुमार का क्या अपेक्षाएं हैं आपकी जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा है कहीं ना कहीं मेरा पंचायत आगे होने में जिला प्रशासन एवं प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं बी साहब सी साहब सबका इसमें भूमिका रहा है और मैं आशा करता हूं और मैं जिला प्रशासन से भी आशा करता हूं और उम्मीद भी है कि वो लोग सहयोग करेंगे सहयोग करते आ रहे हैं और मेरा पंचायत विकसित होगा इसमें किंतु परंतु नहीं है बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पर गेरुआ पुरसुंडा पंचायत के उप मुखिया भी मौजूद हैं ये बताइए कि लक्ष्मण कुमार के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में ये गेरुआ पुरसुंडा पंचायत ये देखने का चीज़ है लोग तो आते थे चुनाव को बारी आता था चुनाव को बारी जबकि आता था तो लोग फीता लेके चल देते थे गली नापने के लिए कि रोड बनेगा रोड जबकि नाप को चला जाता था चुनाव साता में जो कि आ जाता था वो फिर जाके घर बैठ जाते थे कहे कोई काम नहीं तो वो काम हमने किए हम चुनाव प्रचार में गए जनता लोग मांग किया हमको क्या चाहिए बोलिए क्या चाहिए बोला हमको निकास चाहिए तो हमने न सूता दिए न फीता गिराया डायरेक्ट हम काम करने को काम किए वो काम हम कर, कर दिखाए वो काम स्थल पर जा आप देख भी सकते हैं मैं एक बात और आपके माध्यम से चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो भी कार्य हुआ है वो शत प्रतिशत धरातल पे हुआ है और देखने योग्य है अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जा कर के जिस जिस जगह पे काम किए हैं आप देखिए कि वास्तविक में ये संभव था या नहीं मेरे अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि एक भी काम जो हम किए हैं संभव वाला काम नहीं था जो भी काम किए हैं बहुत कठिनाई के साथ काम किए हैं बहुत उसमें हम लोग को कठिनाई का परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि जो कॉलेज जो अभी शिव में जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जी आए थे उस कॉलेज के बगल में एक रोड गया है और हमारे गांव से जो रोड है लगभग बारह तेरह सौ मीटर किलोमीटर सॉरी बारह तेरह सौ दो हजार लगभग हो जाएगा मुखिया जी, जी? जी दो हजार के दूरी में लगभग होगा उस रोड को हमने जोड़ दिया है लगभग पंद्रह से बीस फीट चौड़ाई के साथ जोड़ दिया है। ताकि वो काम होने वाला नहीं था संभव नहीं था जी वो कार्य किए हैं और आपका सिलवे भी बता ही दिए हैं ऐसे ऐसे बहुत है हमारे दस नंबर वार्ड में ग्यारह नंबर वार्ड में जहां पे कि एक दो फीट रास्ता नहीं था उस रोड में भी लगभग हमने दस फीट का काली स्थान पुरसंडा के बहुत लास्ट छोर में है वहाँ तक हम लोग रोड मिलवाए हैं मनरेगा के माध्यम से उसको बनवाए हैं और ऐसे ऐसे कार्य बहुत हैं अनगिनत कार्य कर चुके हैं वो देखने योग्य है आप जा कर के देख सकते हैं जो बचा हुआ है मैं और जो भी गांव में अभी काम नहीं हुआ है उनको लगता होगा कि शायद मुखिया जी गेरुआ पुरसंडा सिलवे लोग देख रहे हैं हम विश्वास दिलाते हैं और आशा दिलाते हैं कि जितने भी कार्य बचे हुए हैं मैं सभी को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और काम वहीं पे कर रहे हैं जहाँ पे स्थिति ज़्यादा दयनीय है उस कार्य को फिलहाल हम लोग कर रहे हैं और जहाँ बचा हुआ है शेष उस जगह पे भी काम करेंगे ऐसा नहीं कि दूसरे जगह काम नहीं होगा सभी जगह काम होगा धीरे धीरे पूर्ण कर देंगे जहाँ वादा किए हैं वहाँ हम ज़रूर वादा के साथ हम निभाएंगे देखिए यहाँ पर एक वार्ड सदस्य हैं ये बताइए कि क्या जिस कदर तेजी से विकास हो रहा है गेरुआ पुरसुंडा पंचायत का तो आने वाले पांच वर्षों में लक्ष्मण कुमार के नेतृत्व में आप लोगों के नेतृत्व में क्या यह पंचायत विकास के रोशनी से जगमग करेगा जरूर पहला नंबर तो चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद करता हूँ लक्ष्मण कुमार मुखिया जी को भी कि जो 2017 और 18 से इंदिरा रुका हुआ था वो पूरा पंचायत में संपूर्ण काम पूरा भी किए और मनरेगा का बात हो तो किशोरी महतो घर से ठकुरबारी तक जो रास्ता जाता था उसमें बहुत बड़ा योगदान मुखिया जी का रहा और कुछ अगारे नंबर बारे में भी मट्टी का कार्य किए जो कि होने का संभावना भी बहुत दिन से नहीं था क्या युवा मुखिया सबसे तेज तरार मुखिया लक्ष्मण कुमार के कार्य से आप आमाम जनता संतुष्ट हैं जी जी संतुष्ट है क्या पांच सालों में यह पूरे जिला का सबसे टॉप पंचायत बनेगा जी हो जाएगा, हो जाएगा जाएगा क्या बाबा आप संतुष्ट है संतुष्ट है, हाँ, है यह चलिए और भी लोग यहाँ पर हैं जरा सा ये बताइए कि गेरुआ पुरसुंडा पंचायत में जो विकास का नया इबारत लिखा जा रहा है आप क्या कहना चाहेंगे इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे विकास पुरुष लक्ष्मण मुखिया जी जो कि काफी बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं और आज़ादी के पहली बार मेरे गांव में काम हो रहा है नल से लेके जल से लेके रोड तक मट्टी तक सारे काम में इनका प्रथम योगदान है अगर ये ना रहते तो नामुमकिन था ये सब काम को संभव कर पाना एक युवा है इनसे भी जानते हैं क्या युवाओं के भरोसे और विश्वास पर लक्ष्मण कुमार शठ प्रतिशत खड़ा उतर रहे हैं अभी तक तो पंचायती रिपोर्ट यही बता रहा है हमारे मुखिया जो वादे किए हैं उस वादे पे पूरे खरे उतर रहे हैं हंड्रेड परसेंट चलिए तो युवाओं का भी कहना है कि वादे इरादे और विश्वास और भरोसे पर लक्ष्मण कुमार वर्तमान मुखिया गिरुआपुर पुरसुंडा पंचायत पूरे खड़े उतरे हैं और जिस कदर विकास की इबारत लिखी जा रही है गिरुआ पुरसुंडा पंचायत में यह काफी प्रशंसा योग है वो विश्वसनीय है वो कल्पनीय है और जैसा विकास की झलक देखने को मिल रही है ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द गेरुआ पुरसुंडा पंचायत लखीसराय जिले का सबसे टॉप पंचायत बनकर उभरेगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में इस पंचायत को अवार्ड देंगे ऐसा लग रहा है इतना तेजी से ये पंचायत विकास कर रहा मैंने विकास की एक झलक देखी है जो उदासी थी वो उदासी अब खत्म हुआ है अब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आया है लोगों के चेहरे पर एक निखार सा आया है इस पंचायत में सरफराज आलम बिहार न्यूज लखीसराय